वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और जो कोरोना वायरस का क्रोप सारे संसार दे विच ये महामारी फैली हुई है और सारिया सरकारां जिहड़ियां ने इस महामारी दे लई लड़न दे लई संघर्ष कर रही ने, और पंजाब की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने भी सारा देश लॉकडाउन किया हो, और पंजाब दे विच करफ्यू लग्या हो तकरीबन 22 तरीक तो लैके लगातार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी पूर्ण सहयोग जिहड़ा पंजाब सरकार नूं भारत सरकार नूं दिता जा रहा है। और जिस तरह लंगरां की सेवा साडी निरंतर जिहड़ी है वह चल रही है, और एक हुण नवीं जिहड़ा मसला सामने आ गया कि जो सचखंड श्री हजूर साहब नदेड़ तो बहुत सारिया संगतां जिहड़ियां बड़े लंबे समय तो उत्थे दर्शन करन गई हुई सियां, और उन्हां नूं हुण जो संगतां नूं इत्थे लिआंदा गया पंजाब दे विच, और एक नवां मसला खड़ा हो गया। और अज भी साढ़े श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने भी ये गल का वर्णन किया है कि और जिस तरह का उन्हां नाल बर्ताव किया जा रहा है सारे श्रद्धालुओं के, जिदे विच बजुर्ग भी ने, बच्चे भी ने, बीबियां भी ने, नौजवान भी ने, और वो सारा कुछ देख के साडे मन नूं बहुत वड्डी ठेस पहुंची है। क्योंकि सरकारां दे फर्ज बनते होंगे ने कि उन्हां दे लियाउण दे लई उन्हां दे रहण दा प्रबंध करना सारा कुछ इस सरकारां नूं चाहिंदा है, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी पूरी पहल करके शुरू तो ही जिथे असीं लंगरां दे वास्ते और पंजाब सरकार नूं बेनती कीती सी वी साडे निरंतर जिहड़े साडे 90 गुरद्वारे ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ विच उत्थों लंगर चल रहे है, उत्थे असीं पहले दिन ही ये गल कहती सी कि साडियां जिन्नियां भी सरावां ने तकरीबन 1700 तों वध जिहड़े साडे कोले सरावां दे कमरे ने वह पूरे तैयार प्रत्यार रखे हुए ने। जिस किसी नूं भी जो जिहदे उत्ते शक पाया जांदा है करोना वायरस का, जद टैस्ट किया जाता है अलहदगी विच रखने लई जिहड़े व्यक्ति नूं सरकार चाहेगी, वह सारिया जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरद्वारा साहब ने सरावां दे विच रखने लई असीं प्रबंध जिहड़े ने वह पूरे किए हुए ने। लेकिन पिछले दिनों जदों भी तो भी हजूर साहब तो जिहड़ी संगत आई है जिस तरह का इन्हों का व्यवहार किया गया, जिमें इन्हों एक निजी डेरे के रखण का सरकार वालों प्रबंध किया गया, और वह बहुत ही माड़ा सी, और उत्थे सारे ही लोग बहुत दुखी रहे ने। मैनू भी बार बार उन्होंने सारे श्रद्धालुओं वालों जिहड़े सी बहुत सारे टैलीफोन भी आए सी कि साडा प्रबंध बहुत माड़ा है, ना जी इत्थे रहण दा, इत्थे मच्छर बहुत है, गर्मी बहुत है, असीं तां बहुत दुखी हाँ। सो इस करके मैं उस समय भी जिहड़े साडे गुरदासपुर के डीसी साहब ने उन्होंने भी गल की, इस तों अलावा मैं अमृतसर के डीसी नाल भी गल की, और सरकार नूं भी सी बार बार ये बेनती की सी कि इन्हां श्रद्धालुओं नूं ये डेरियां विच नहीं रहना चाहुंदे ते ये गुरु घरां विच रहना चाहुंदे ने, साडे गुरु घर इन्हां वास्ते तैयार ने। सो साडे जिन्ने भी गुरद्वारा साहब ने तकरीबन हर जिले दे विच साडे गुरद्वारा साहब ने, फिर उत्थे ही इन्हां श्रद्धालुओं नूं जे एकांतवास विच रखना दी लोड़ है तां उत्थे रखे जा सकदे ने। सो बहुत सारे साडे जिहड़े ने एकांतवास च व्यक्ति रखे भी होए ने, जिवें तख्त श्री दमदमा साहब बहुत सारे व्यक्ति उत्थे रखे हुए ने, सचखंड श्री दरबार साहब, गुरद्वारा दुख निवारण साहब, गुरद्वारा पातशाही दसवीं बरगाड़ी, गुरद्वारा नानकियाणा साहब संगरूर, इस तरह गुरद्वारा बेर साहब सुल्तानपुर लोधी, गुरद्वारा डेरा बाबा नानक, गुरद्वारा छेहटा साहब, मेरा मतलब कि सारे थां ते हुण भी तकरीबन 1500 तो लगभग व्यक्ति उत्थे एकांतवास च रखे हुए ने। जे होर भी सानू लोड़ है, साडियां सरावां साडे हाल पूरे तैयार प्रत्यार ने, उत्थे संगत रह सकदी है, अपने सेहत कर्मचारी उत्थे रहण उन्हां कोल, और उत्थे उन्हूं पूरी कस्टडी च जिहड़ी सरकार दी च सारा रखना चाहीदा है। अज वी मैं बेनती करदा पंजाब सरकार नूं कि इह लोकां नूं इक ऐसा अलहदगी जां विगानगी दा
एहसास ना कराया जाए जिवें कि उह पंजाब दे वासी नहीं हुंदे। इस तरह का उन्हां दा विहार जिहड़ा है सरकार वल्लों कीता जा रहा है, जिहदा बहुत वड्डा सानूं सारिआं नूं अफसोस भी होया। समुची सिख संगत नूं इस गल दी बहुत वड्डी जिहड़ी है सट भी वज्जी है। सो अज फिर मैं बेनती करदा सारी ये पंजाब सरकार नूं कि इन्हां जिहड़े श्रद्धालु बाहरों आए ने इन्हां नूं गुरुद्वारा साहब दे विच ही जिहड़ा रहण दा प्रबंध जिहड़ा असीं करन नूं तैयार हां। इत्थे गुरुद्वारा साहब दीआं सरावां विच ही इन्हां नूं भेजा जावे, उत्थे इन्हां दी सेहत सेवावां जिहड़ियां ने उत्थे सारिआं नूं दित्तीआं जाण। सो मेरी इही हथ बन के बेनती है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जेकर तुहानूं साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।